हाँ तो यार गर्ल्स ओनली एसएमपी इसलिए क्योंकि यार मैं खड़ा था अपनी एसएमपी में आराम से चिल होके एक जगह पे, एंड तभी मेरी एक फ्रेंड है जो मुझसे मिलने आती है, एंड वो मुझे एक ऐसी चीज़ बताती है कि यार उसके बाद मेरे को मजबूरन वो गर्ल्स ओनली एसएमपी में जाना पड़ता है। हेलो कातिल, यार मैं गर्ल्स असेंबली में खेलती हूँ और उस असेंबली में मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ट्रोल करते हैं। तुम प्लीज उस असेंबली को ज्वाइन करोगे एंड उन्हें ट्रोल करोगे यार प्लीज। तो फिर क्या है भाई, भाई तुम्हारा दिल का अच्छा आदमी है, एक बार में हाँ बोल देता है। थैंक यू कातिल, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। हाँ तो फाइनली दोस्तों यार मैं ये गर्ल्स ओनली एसएमपी में आ तो गया हूँ और यहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ और यहाँ पे घर दिख रहा है अभी तो। यहाँ ये तो भाई ऐसा लग रहा है यहाँ के ओनर का घर है, बहुत बड़ा है और एक खराब सा घर है और एक अच्छा घर है। ओ कोई दिखा सामने, ओ भाई ये तो मेरे ही और आ रहे हैं, चलो मैं बात करता हूँ। ओ शिट, अभी यार मैं एक चीज़ तो भूल ही गया भाई, ने मेरे को बुक दिया ये एक। तुम ये गर्ल्स ओनली एसएमपी में क्या कर रहे हो भाई? मैं सबसे बड़ी बात जो भूल गया हूँ कि मैंने अपनी स्किन ही नहीं बदली और नाम हाइड नहीं किया ना चेंज किया। आ, 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 मैं गलती से आ गया था यार, मैं खेल सकता हूँ क्या यहाँ पे? मैं कुछ आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। एक और बुक दी भाई इसने, तलवार क्यों निकाल रहे भाई? मना मना कर रही, अब तो तुम्हें पहले मारेंगे और फिर बैन करेंगे, मैं यहाँ नहीं खेल सकता क्या? ये सिर्फ गर्ल्स ओनली के लिए है। तो आप क्या मुझे मारने वाले हो भाई? मुंडी ला रहे, अरे मैं जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी, अरे जा रहा हूँ, अरे ओ भाई मैं मर गया हूँ और मेरे एक हार्ट भी कम हो गया भाई। हार्ट ओनली एसएमपी शायद, मतलब हार्ट कम होते हैं इसमें, लाइफ स्टील एसएमपी शायद ये, बट कोई नहीं मैं उनको दोबारा जाके परेशान करूंगा भाई। मुझे मतलब मारा है कोई, बैन थोड़ी किया है, बट बैन करना दे। ओ भाई लो यार मेरे मतलब मुंह पे क्या, मैंने क्यों ही बोला भाई, बोला और मेरे को किक कर दिया जबकि ये मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे, बट ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा ज्वाइन होता हूँ एक अलग आईडी से और एक अलग स्किन के साथ, तब आएगा भाई मज़ा। हाँ तो दोस्तों फाइनली अब मैं आ चुका हूँ यार स्किन चेंज करके एंड नाम चेंज करके, तो अब मैं इस एसएमपी में आराम से इनको ट्रोल कर सकता हूँ एंड अब मुझे शायद कोई गर्ल्स एसएमपी से किक नहीं करेगा। इन लोग मेरा नाम भी पूछेंगे तो मैं फेक बता दूंगा एंड इनसे बात नहीं करूँगा, चैट पे ही लिखूँगा ठीक है, तो रिस्क हो जाएगा वरना। चलो चलता हूँ अब तो, सीधा इनके घर चलता हूँ ना इनसे मिलने, अब मुझे यहाँ खड़े रह के डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब तो मैं अभी एक लड़की ही हूँ, मतलब बन गया हूँ इनको ट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये लोग मेरी फ्रेंड को जो ट्रोल कर रहे थे, मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ इनसे, ऐसा कोई डरने की वाली बात नहीं। हाय भी लिख देता हूँ खुद से, हाय। और मैंने पता नहीं ये क्या नाम रखा है यार, नई आईडी ऐसी फेक बनाई तो। हाँ तो पहली बार यार कुत्ते की तरह जलील होने के बाद मैं जाता हूँ इनसे फिर से लड़की बन के इस बार मिलने, एंड इस बार ये लोग मेरे से ठीक ठाक व्यवहार करते हैं, बट इनसे जैसे ही मैं कोई एक घर मांगता हूँ रात में रहने के लिए कि यार अब रात हो गई है दे दो, तो ये लड़कियाँ वैसे ही फिर से टॉक्सिक हो जाती है एंड फिर मुझे बोलती है कि नहीं हम आपको घर नहीं दे सकते, भगा देती है। तो मैं समझ जाता हूँ यार ये बेकार ही है, इनसे मुझे बदला लेना ही है अपनी दोस्त के लिए। उसके बाद ये लोग मुझे बोलती है कि ये वुड वाला घर ले लो, पीछे एक वुड वाला घर रहता है, एंड मैं वो वाला घर पे चले जाता हूँ चुपचाप सोने, बट जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ भाई मुझे दिखता है वहाँ तो बेड ही नहीं है, एंड फिर यार रात भर वहाँ खड़े तो रह नहीं सकता था, तो एक राइट में एक और घर था इन्हीं का, तो मैं सोचता हूँ चुपचाप वहाँ जाता हूँ एंड इनके घर में घुस के वहीं सो जाता हूँ, एंड उस रात मैं वहीं सो जाता हूँ। ओके सो मैं सो के सुबह उठ चुका हूँ एंड उन लोग उठ के बाहर आए, उससे पहले मैं अपने घर वापस लौट चलता हूँ एंड अब मेरे पास बेड भी आ चुका है, अपना बेड प्लेस करके अपना रिस्पॉन पॉइंट भी वहीं सेट कर लेता हूँ और फिर चलूँगा यार इनके घर में मिलने इनसे और इनका सामने वाला बड़ा वाला घर देखने। चलते हैं इनसे मिलने एंड आई होप अब ये लोग मेरे से सही व्यवहार करें, वरना तो अब इनके घर जाने ही वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि मैं तो आया ही हूँ यहाँ बदला लेने, बट मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ कि अगर ये अच्छी लड़कियाँ हो तो इनको मैं माफ़ कर दूँ। वो भाई इनका क्या सही घर है भाई, एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा, इन लोग कहीं दिख क्यों नहीं रहे भाई, इनको ढूंढता हूँ ऊपर वाले उस पे। ओ ओ ये रहे। फिर यार जब मैं इनके घर इनसे मिलने जाता हूँ तब ये लोग यार मेरे साथ बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं, मुझे चैट पे बुरा बुरा बोलते हैं कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए, भगाते हैं एंड लास्ट में तो भाई ये हद ही कर देते हैं, मुझे मारने लगते हैं और मार मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। सो मैं समझ जाता हूँ भाई ये मेरे दोस्त के साथ भी यही चीज़ करते होंगे, तो मैं मन बना लेता हूँ इनसे खतरनाक बदला लेने का। ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से एंड अपने थोड़ा सा रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ एंड इनके घर में जाता हूँ चोरी करने एंड फिर इन्हीं का घर पूरे उड़ा दूंगा मैं। हाँ तो यार भाइयों चलो
मेरे यहाँ जो भी बेसिक सामान है मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से ले लिया, एंड मतलब मेन वुड तोड़ा और थोड़ी बहुत मछलियाँ मार ली थी खाना खाने के लिए, रॉ है पर अभी वही खा लेता हूँ। एंड अब मैं इनके घर चलने वाला हूँ चोरी करने। आई होप मुझे इनके घर से काफ़ी बढ़िया सामान मिल जाए एंड इनके यहाँ चोरी करूँगा और उसके बाद फिर इन्हीं का घर उड़ा भी दूंगा अगर कुछ उड़ाने का सामान मिलता है तो, वरना इनको सबसे पहले तो मेरा मारना मिशन रहेगा। घर वर तो ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट दबा के चलना चालू कर देता हूँ क्योंकि ये लोग अभी यहीं पे है तो आवाज़ ना चले जाए। वो देखो वो देखो, दिखे 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 दिखे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो ये नीचे जाने का रास्ता है यहाँ पे, इनका घर एक्सप्लोर करते भाई, देखते कुछ मिलता है कि नहीं। ओ ओ भाई सामने ही आर्मर भाई, इतनी सारी चेस्ट है भाई, नाइस। चेस्ट में क्या है ये सब में? ये तो खाली ऐसा स्टार्ट से सामान रखते हैं क्या स्टार्टिंग में? TNT टूल लिखा है भाई यहाँ पे, ट्रोल लिखा है वो। ओके सो इनकी प्लानिंग शायद मेरे को ट्रोल करने की थी TNT लगा के, बट अब यही लोग मरेंगे और इन्हीं के साथ ट्रोल होगा। ओ भाई यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा जरूरत का सामान मिल गया है, नाइस ले लेता हूँ। एक डायमंड की सॉर्ड भी है वो भी रख लेता हूँ, कुछ खाना भी मिल गया है एंड एंडर पल भी मिल गई है जिससे मेरे को फ़ायदा होगा। एंड मेन भाई सबसे ज़रूरी चीज़ आर्मर, उसके अलावा और यहाँ पे ओ भाई ये रहे TNT ट्रोल के लिए TNT ही रहे। एंड फ्लेंट भी है तो मैं एक फ्लेंट एंड स्टील भी बना लेता हूँ जल्दी से। लेट्स गो, फ्लेंट एंड स्टील भी हो चुका है। अभी भी मेरा आयरन है बट अब आयरन आर्मर का क्या करना भाई जब सामने आपके पास ये हो। लकड़ी की तलवार मैं फेंक देता हूँ एंड अब आर्मर लेना चालू करते हैं। ओ भाई प्रोटेक्शन देख रहे हो कौन सी लगी है भाई, ये तो गए भाई। बट इनके पास भी अच्छा आर्मर होगा ऑफ कोर्स क्योंकि इनने जब मुझे इतना अच्छा आर्मर दिया हुआ तो इनके पास भी होगा ही। चलो अब मेरे पास आर्मर भी आ गया है भाई, अब मैं इनकी बैंड बजाता हूँ। ओ ओ ओ ओ भाई ये इसने मुझे देखा तो नहीं होगा, इनका स्विमिंग पूल है भाई यहाँ पे। भाई ये तो यहीं देख रही है भाई, मैं निकलता हूँ जल्दी से। वो भाई शायद देख लिया इसने, ये ऊपर वापस चली गई शायद, ये सिर्फ नॉर्मल तैर रही होगी पानी के अंदर, साइड का तो नहीं दिखा होगा कुछ। भाई इनकी बात पता नहीं यार, ऊपर चलता हूँ जल्दी से। चोर को पकड़ो भाई, इसने देख लिया मुझे, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। भाई रात हो रही है एंड रात में लड़ना और कठिन होगा, तो भाई मैं तो जल्दी से जाके सो जाता हूँ चुपचाप। हाँ तो चलो भाई लोग, यार सुबह हो चुकी है एंड अब मैं खाना पीना खा लेता हूँ एंड फिर चलते हैं भाई इनको मारने। अब अपने पास भाई आर्मर भी है, तलवार भी है, तो अब इनकी बैंड बजाने वाले हैं, है तो TNT भी इनको उड़ाने के लिए, तो चलो। आ, 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 ये लोग यहाँ कैसे चोर? मैं चोर? तो भाई तुमने मेरे ख्याल से अब इनसे डरना और बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर करते हो अपन सीधा हमला। इनमें से एक ने तो आर्मर भी ढंग से नहीं पहना भाई। अरे अरे मारने की कोशिश कर रहे भाई, इनमें वो ही नहीं है पावर। आ जाओ आ जाओ, लड़ना है ना इनके आर्मर भाई, इनके तलवार क्या भाई आर्मर नहीं है क्या? आ जा आ जा आ जा, क्या आ रहा है जो हादा हार्ट? ये भाग रहा है क्या? इधर आ इधर आ इधर आ। अरे अरे ये भाग क्यों है भाई? इसको भागने दो, इसको पीटेंगे ना, मारेगा ये ले मार। इनसे तो भाई मैं कुछ ना भी चलाऊँ ना तलवार तो भी लड़ सकता हूँ, और इनको एक भी मारूंगा ना तो क्या पीटेंगे क्या भाई? हेलमेट नहीं है क्या? ये गर्ल्स ओनली है SMP में, बताओ लड़कियों। ओए ओए भाई ये वहाँ जाके आर्मर और बोलेगा। अरे भाई ओ भाई अरे भाई ये क्या है भाई? एंटरपल करो, ये बंदा कौन सी तलवार ले आया भाई? ओ भाई इससे लड़ना ही मुश्किल हो गया है भाई, इससे नहीं लड़ सकता मैं। एक बार ट्राई करता हूँ इसको मारने का फिर भी। ओए भाई 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 ये जला देगा भाई, इसके पास मेरा पानी भी नहीं यार, बड़ी दिक्कत है भाई, थोड़ा भागना पड़ेगा। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, अब मेरा एक ही ऑप्शन है, मुझे वही करना पड़ेगा थोड़ा। अरे यार ये लोग खाना खाने का भी टाइम नहीं दे रहे भाई, बिल्कुल ही पीछे आ रहे हैं, अब मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। हाँ भाई फाइनली, अब यार वो नहीं है कि मैं इनको मार सकूं। अरे भाई ये भी ऊपर आ रहा है,
ये खतरनाक वाला बंदा भाई, इसकी तलवार इसको सबसे पहले मारना पड़ेगा भाई, अगर ये जिंदा रहेगा ना तो इससे मैं नहीं लड़ सकता। भाई ये तो बहुत क्लोज आ रहे हैं भाई, जब जितने मेरे पास ब्लॉक है उतना तो मेरे को ऊपर जा ही सकता हूँ, बट मेरे पास ब्लॉक भी तो ज़्यादा नहीं है भाई, मैं क्या करूँ, मेरे पास ब्लॉक ख़त्म हो रहे, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। ओह भाई बच गया बच गया, एक वो ऊपर ही है एंड अब मुझे इनके, ये मरा नहीं, बच गया ये भी, इसको मारता हूँ, रुको रुको भाई, मुझे थोड़ा सा जाके जरूरी हो, ये गया ये गया, अब इनका एक बंदा बाकी है मेन वाला, उससे लड़ने के लिए पहले मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, थोड़ा ज़रूरी सामान और चाहिए मुझे जमा करना पड़ेगा, जब से जब तक वो नीचे उतर रहा है, वो कूदेगा नहीं इतना मुझे मालूम है, क्योंकि तो उसका आर्मर अच्छा नहीं होता, मैं भाग रहा हूँ जब तक यहाँ से। एक बंदा तो गया है इनका, अब एक ही बचा है बस, और मुझे एक हार्ट भी मिल चुका है भाई, ये लाइफ स्टील SMP जो है। चलो अब मैं भाई काफ़ी दूर आ चुका हूँ इनसे, एंड मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ एंड जल्दी से भाई एक बकेट बनाता हूँ भाई, मुझे बकेट के चक्कर में भाग के आना पड़ा, एंड अभी भी वो एक बंदा बाकी है भाई, बकेट बना ली है, थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करता हूँ एंड ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ एंड फिर दोबारा चलता हूँ इनको मारने। हाँ भाई तो चलो, अब तो यार मेरा वाटर बकेट भी आ चुकी है, एक उनका बंदा भी डेड हो चुका है। हाँ मैं मानता हूँ यार, अभी एक वो मेन लड़की बची है जो, जिसके पास खतरनाक वाली तलवार एंड अब आर्मर आ चुका है, बट उसको भी मैं यही सेम टेक्निक से मार सकता हूँ, थोड़ा बहुत नीचे लड़ने का ट्राई करूँगा, अगर नहीं हो पाया तो मैं उसको हाइट पर ले जाऊँगा एंड फिर वहाँ से गिरा के मारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आर्मर कितना भी अच्छा हो मेरे ख्याल से उसके बाद रिफ्लेक्स उतने अच्छे नहीं होंगे कि वो वाटर बकेट करके बच जाए, एंड मैं ट्राई करूँगा कि भाई मैं वाटर बकेट करके बच जाऊँ, और मेरे में फेदर फॉलिंग 4 भी है, अगर वाटर बकेट फेल होती भी है तो मेरे ख्याल से मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक हार्ट भी अब ज़्यादा है उनके कंपेयर में, सो मैंने थोड़े बहुत वो भी जमा कर ही लिए है, डट के ब्लॉक और अपना मेन वुड भी जमा किया है, ताकि मैं काफ़ी ऊंचाई में जा पाऊँ एंड फिर लड़ूँ। ओह ये यहीं पे है, नाइस, अब चलते हैं इसको मारने, आ जा। ओ भाई इसका एक तो भाई बहुत तेज लगता है, बट कोई नहीं, डरने वाली बात नहीं है, मैं चिकन से क्यों मार रहा हूँ इसको, अगर मैं तेजी में हिलते हुए मारूंगा तो ये उतनी देर नहीं मुड़ पा रही है, ये अच्छा है, इसके रिफ्लेक्स स्लो है थोड़े। ओ बट इसका एक बार भी अगर ये मार दे तो बहुत देर तक चलता है। हाँ नो नो मारना ही पड़ेगा इसको तो। ओ भाई पेटी पेटी पेटी, बहुत खतरनाक पेटी आई, बजा। अरे भाई 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 क्या हेल्थ गई है, थोड़ा अलग होना पड़ेगा मुझे, तो एग्रेसिव होने लगी है भाई, अब मेरे ख्याल से अब वही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और मारता हूँ एंड फिर अगर इसने मुझे मारा तो ऊपर भाग जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है इसका दिमाग ख़राब हो गया, एग्रेसिव हो जाएगी और इसके बाद जो आर्मर है उसमें मुझे ख़त्म भी कर सकती है। अरे कितना हिल रही है ये बड़ी। ओ भाई ये मेरे एकदम पीछे आ गई, तो फिर इसको मारना पड़ेगा, पानी से बुझाओ 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 बुझाओ। अरे 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 मेरे से एंटर पल क्यों हो रही भाई, मैं गलती है क्यों करने लगता हूँ फाइट में। आ जा आ जा, समय तो आ जा, आज तो इसको मैं नीचे ही मार दूंगा यार, इसके लिए तो मेरे ख्याल से ऊपर जाने, अरे मैं मर जाऊंगा इस तो, हुई हुई मेरी हेल्थ 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 हेल्थ, भागो 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 भागो, मेरे ख्याल से अब मुझे टाइम नहीं है, ऊपर जाना ही पड़ेगा। मैं जल जल के पहुंच ही गया हूँ फाइनली, अब मैं रुक नहीं सकता, हाँ अब आराम से अपनी हेल्थ वो करूँगा। ये ऊपर इसका ब्लॉक है क्या, ओ भाई ये भी आ रहा है यार ऊपर, क्या करूं भाई, ये बंदा ये लड़की बड़ी जिद्दी है भाई, डंडे भी अच्छी है एंड इसके बाद आर्मर और तलवार भी अच्छी है, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, आते जा आते जा आते जा। आप सबको तो यार मेरा प्लान पता ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ इनके साथ, बहुत जल्दी गर्ल्स ओनली की लीडर जो है वो ख़त्म होने वाली है, अब इसको मैं इतनी हाइट में ले जाने वाला हूँ कि अगर ये वहाँ से गिरे तो बच ना जाए, क्योंकि अगर ये बच गई ना तो ये मुझे नहीं बचने देगी।
क्यों नहीं हो रहा क्या? ये लोग मेरी आवाज़ तो नहीं सुन सकते, बट इसलिए मैं इनको चैट पे लिखता हूँ। नूप मुझे मारने की कोशिश कर रही है यार ये इतने नीचे से, बट पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी ऊंची हाइट हो चुकी है, एंड अब मैं इसको और ऊपर आने देता हूँ थोड़े से मेरे लेवल पे, एंड फिर जो मुझे करना है वो करने में कूदने वाला हूँ। 1 2 3 मैं भी गिरा नीचे, बट मुझे वाटर बकेट करनी है। ओ बच गया, ये गिर के मर गई। मेरे भी हार्ट बड़े कम बचे हैं, थोड़ा सा शायद पानी लेट हो गया। इनका सामान लेता हूँ एंड चलता हूँ जल्दी से। ओ भाई काफ़ी सामान मिल गया है, थोड़ा सा और जो फ़ायदेमंद सामान है वो लेता हूँ, एंड उसके बाद जो मेन चीज़ करनी है इनका घर उड़ाना, वो भी तो करें जल्दी से। जल्दी से मुझे ऊपर पहुँचना है, पहले मैं TNT ऊपर से लगाना चालू करूँगा एंड फिर नीचे। क्यों ना मैं यहाँ पे TNT ही लगाना चालू करूँ, डायरेक्ट TNT से ही ऊपर चढ़ेंगे अपन लोग अब। अरे लामा तू भी मर जाएगा, बट कुछ करा नहीं जा सकता। इन लोग सोते कहाँ यार? इनका बेड अगर यहाँ होगा तो इन लोग अंदर ही होंगे, पर अंदर होते तो पता नहीं, हो सकता है आर्मर बनाने का जुगाड़ कर रहे हो, क्योंकि बिना आर्मर के अगर मेरे से लड़ने आएंगे तो इनका वैसे भी मर नहीं जाएंगे, तो हो सकता है अंदर ही हो पर बाहर ना आ रहे हो। अगर ऐसा है तो अच्छी बात ही है। ओके खाना खाता हूँ एंड अब ये TNT को ब्लो करके मैं जा रहा हूँ नीचे। ओ चलो 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 चलो, इनका मेन किला ही उड़ाया है भाई सीधा। ओ भाई जॉम्बी के बच्चे, ये घर अंदर से बच गया ना इनका, कोई बात नहीं अंदर से भी उड़ा देंगे। बाय बाय, अब इनको पता चलेगा भाई मुझसे पंगा लेने का नतीजा। इनके आने से पहले मुझे इनका घर उड़ाना है भाई। मुझे लगा ये लोग आ गए, बट ये जॉम्बी किड है। चलो खत्म, अब मुझे TNT भी फोड़ने भाई जल्दी, इनका पूरा गड्ढा ही खत्म कर दूंगा यार। बाय बाय हाउस, भाई फाइनली मेरा इस वीडियो का रिवेंज तो पूरा हो गया यार। मेरा तो नहीं, हाँ मेरी भी इनने थोड़ी बेइज्जती तो करी थी, बाकी जो मेरी फ्रेंड की बेइज्जती करी थी उसका रिवेंज तो पूरा हो गया। अब बाकी देखते हैं यार आगे इनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, आगे ये लोग कैसे बात करते हैं मुझसे, उस पर रहेगा। एंड ये लोग अगर बस मुझसे बदला ना ले तो अच्छी बात है। बाकी आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही करते हैं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, एंड मिलेंगे आप लोगों से भाई अगली वीडियो में। टिल देन भाई सभी को बाय बाय, अगर किसी ने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना यार, एंड इनका घर देख के मज़ा आया कि नहीं भाई वो भी बता दो। और अगला भाई अगले रिवेंज के लिए मुझे आइडिया भी कमेंट कर सकते हो कि कैसे इनकी बैंड बजाए अपन।